तो ये नहीं जो लोग ऊपर है उनका तो बिल्कुल व्यर्थ हो गया जाना, बहुत व्यर्थ है, कुछ नहीं दिख रहा है। जस्ट लुक एट दिस, अभी मैंने आपको जो पहाड़ दिखाए थे पूरे पहाड़ यहाँ से गायब है। मुझे तो पंजाब की सर्दी याद है, बाप रे बहुत ठंड, बहुत ठंड है, ब्लैंकेट। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी बज रहा है 5:50 और हम लोग आए हैं सनराइज पॉइंट इन सापूतारा। फ्लैश लाइट करके हम लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इतना सारा अंधेरा और बहुत सारे लोग हैं। हमें लगा हम लोग ही पहले होंगे, हमारा यूनिक था हमें लगा, बट बहुत सारे लोग हैं और अभी तो व्लॉगिंग नहीं कर सकता क्योंकि बहुत अंधेरा है। तो और वेदर आई डोंट नो, कुछ 12-13 डिग्री के आसपास है, बट जो उमस है वो बहुत ज़्यादा है और ठंड बहुत है। हमारी कार पूरी जम चुकी थी सुबह, हम ब्लैंकेट लेके आए और हमारी होटल से, क्योंकि यहाँ पे ठंड थी पर इतनी ठंड अभी लग नहीं रही सुबह सुबह। सो अभी चलते हैं वहाँ पे, टाइम लैप्स लगाते हैं। हमने सनसेट बहुत देखे हैं बट सनराइज इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर कवरिंग सनराइज ऑन आवर व्लॉग ऑन आवर चैनल। सो लेट्स सी कितना खूबसूरत लगता है यहाँ से। हम लोग सनराइज देखने के लिए वहाँ पे ऊपर गोप्रो रखा था, जैसे गोप्रो की फुटेज हमने चेक की अभी टाइम लैप्स की और बहुत ठंड है इसलिए कहाँ के बोल रहा हूँ, जैसे ही हमने चेक की फॉग पूरा आ रहा है, मतलब सनराइज तो नहीं पर सनसेट वाली वाइब आ रही है। तो बाय द वे आप यहाँ से भी सनराइज देख सकते हैं, दिस इज द प्लेस। पार्किंग भी होगा ऊपर तक, पार्किंग है तो आप ऊपर कार लेके आ सकते हो, यहाँ पार्क करके देख सकते हो। और एक प्लेस है जहाँ पे आप जाके सनराइज देख सकते हो, हम नहीं गए बट मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ से रास्ता निकलता है सामने और ये जो आपको दिख रहा है पहाड़ वहाँ ऊपर तक लुक जा रहा है। लेट मी जूम इन, आई डोंट नो आपको दिखेगा या नहीं, ऊपर वाला फॉग एरिया। हाँ ये जो ऊपर वाला फॉग एरिया है ना यहाँ पे, यहाँ तक लोग जा रहे हैं ये वाला रास्ते से और बहुत ही दूर है भाई, मतलब आपको कम से कम आधा घंटा लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए, बट आई थिंक वर्थ होगा वो व्यू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, जस्ट लुक एट द फॉग सिचुएशन हियर, पता नहीं यहाँ से नीचे कैसे उतरेंगे और किसी हिसाब से लगता तो नहीं है सनराइज हमें देखने को मिलेगा। किसी एंगल से लग रहा है, पीछे आप देख रहे हो, पीछे पहले पहाड़ दिख रहे थे, हमने फोटोज लिए, यहाँ अभी कुछ नहीं दिख रहा है। लुक एट दिस, आपको जो पहाड़ दिखाए थे पूरे पहाड़ यहाँ से गायब है। मुझे तो पंजाब की सर्दी याद है, बाप रे बहुत ठंड, बहुत ठंड है, ब्लैंकेट। और हमने रील्स और फोटोज ले लिया, अगर सनसेट नहीं दिखा ठीक है, हमने रील्स और फोटोज पहाड़ों के टाइम पे ले लिया, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। और अभी कैमरा यहीं पे ऊपर, बस अभी तक ये गिरा नहीं है, बहुत सही सलामत है। सनराइज की तो बात छोड़ो, किसी भी हालत में मुझे लगता है आज सन ही देखने को नहीं मिलेगा, सन ही दिखने वाला। और बहुत ज्यादा ट्रैफिक और फिर भी वहाँ पे लोग ऊपर जा रहे हैं, नहीं मुझे लग रहा है वो ऊपर फॉग देखने जा रहे हैं। हाँ और अभी तो आधे घंटे पहले तो वहाँ लोग दिख भी नहीं रहे थे, हमने आपको दिखाया था। और बहुत ज्यादा ट्रैफिक आज संडे,
बहुत ज्यादा रश है, फटाफट यहाँ से निकलते हैं। कोई मास्क नहीं पहन रहा, सोशल डिस्टेंसिंग मास्क ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, सब खुल गया बट कोई नहीं पहन रहा है मास्क। इतनी धूम मचा हम भी जैसे बात कर रहे हैं इसीलिए मास्क उतर रहे हैं, मास्क पहन के घूम रहे हैं। तो अगर आप आ रहे हो प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के जरूर रखना। अभी चलते हैं थोड़ा फोटो शूट करते हैं फिर फटाफट निकलते हैं यहाँ से। क्यों रो रही, क्या हो गया? मत रो, चलते हैं घर, हम चलते हैं, मत रो। अपनी बात बताई तो रील्स कर रील्स बोलता मेरा रील्स निकाल ले, मैंने बोला ठीक है, इतना घटिया से मुंह बना के बोलता ऐसे करना, मैं आऊंगा ऐसे करना। क्या है और फॉग आंखों में घुसते हुए। अरे फॉग तो हट गया था, देख फिर से आ गया। हमें 2 मिनट की आशा हुई थी हम थोड़ा सा देख पाएंगे सनराइज, वो गई। तुम क्यों रो रही थी, क्या हो गया? सीरियसली इसका रील्स का जो इसने शॉट देखी, इसने देखा नहीं है वरना यार लेट लटोरा हो जाता बंदा। मुझे बोलता है कब मुंह पर करूं, मैंने बोला कभी भी नहीं। मैंने अंजलि को मस्त आइडिया दिया कि मैंने वो रईस की तरह जैसे शाहरुख खान आते फॉग में, फॉग में से निकलते। मैंने बोला बजट मत करना, मैं शूट करने के बजाय नीचे लेट जाऊंगी। नहीं वो बोलेगा फुगे फोड़ने वाली गंध में तो शूट करने का आदमी को। मुझे करम बोलता है रील्स कौन सी शूट, मैंने कोई भी नहीं तेरे ऊपर कोई शूट नहीं कर। मुझे लगता है फॉग हमारे दिमाग में चढ़ गया, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। हमें जाना चाहिए, हमें लगा था अभी फिर से देखेंगे पर फिर सेम फॉग हो गई, तो कुछ नहीं होने वाला। जा जा रहे दो दो कैमरा लेके जा। पैराग्लाइडिंग में सीन ही नहीं है इसमें तो। पैराग्लाइडिंग में ऐसा है कि यहाँ से सापुतारा से निकलेगा महाराष्ट्र में कहीं जाके गिरेगा, बोलता है फॉग में हमारी भटक गए, यहाँ वापस तो लैंडिंग नहीं होगी, वो तो श्योर है। तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि आज तो सूर्य देवता प्रकट नहीं होने वाले बिकॉज इतनी फॉग है, तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम नीचे जाते हैं, तो आज तो बैड लक निकला, नहीं देख पा रहे हैं। तो रास्ता बहुत ट्रिकी है, रास्ता दिखाती हूँ आपको।